आज के पुचामन की इस पावन धरा पर जन चेतना संदेश समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो हमने 13 अप्रैल सीकर की पावन धरा से इसको शुरू किया था। फिर 14 मई को झुंझुनू में हमने इसको समापन किया और बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। आज इस पुचामन की पावन धरा पर ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत देश को आधार ग्रंथ प्रदान करने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सत सत नमन। मंच पर विराजमान बुधगिरी मड्डी के महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज, गाड़ोदा धाम के महंत श्री महावीर ज्योति जी महाराज, बीएल नंदवा जी, करण सिंह जी एवं बहन अर्चना जी, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे समक्ष विराजमान इस कार्यक्रम के श्रोतागण, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय साहिब की जय, भारत जय भीम जय श्री राम। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इस कार्यक्रम को लेकर के आपको बहुत सारी बातें बता दी हैं और दिनेश गिरी जी महाराज के बताने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़े। फिर भी हम यदि ईमानदारी से चर्चा करें तो इस भारत देश में कई सारी समस्याएं हैं जो आज़ादी से लेकर आज तक वैसी की वैसी है। जो सपना डॉक्टर बाबा साहब और अन्य महापुरुषों ने देखा था वो सपना आज भी अधूरा है। सपना अधूरा है इसका मुख्य कारण क्या है कि कहीं न कहीं सरकारों की कमी रही तो कहीं हमारे बीच में विश्वास की कमी रही। यदि इस देश के लोगों ने, इस देश के मुख्य धारा में बैठने वाले लोगों ने यदि अपनी ईमान, अपनी जिम्मेदारियां यदि ईमानदारी से निभाई होती तो मुझे लग रहा है कि आज इस देश में कोई भी गरीब नहीं होता। और आज यदि जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई होती तो मुझे लगता है कि आज इस देश में गांव के अंतिम छोर पे बसे किसी गरीब का टूटा हुआ छप्पर नहीं होता। और जब ये कुंठाएं मैं और दिनेश गिरी जी महाराज, महावीर ज्योति जी महाराज 2022 13 अप्रैल को फतेहपुर बुधगिरी मंडी में बैठे थे तो हमने विचार किया और वहां से हमारी एक समिति बनी। हमने कहा कि महाराज श्री इस मिशन में हमें काम करना चाहिए। काम इसलिए करना चाहिए कि महापुरुषों का सपना अधूरा रहना नहीं चाहिए। और महापुरुष बनना किसी के बस की बात नहीं है। महापुरुष बनने के लिए बहुत सारी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए या समाज के लिए नहीं जीना पड़ता, उसे सिर्फ समाज के लिए काम करना पड़ता है। आज इस देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी सुख सुविधाएं त्याग कर देश के लिए अपना पूरा योगदान दिया है, अपने जीवन का योगदान दिया है। और मैं कहना चाहूंगा कि जब जीव इस धरती पे आता है तब न तो वो कोई कलेक्टर होता है, न कोई आईपीएस होता है, न कोई आरएस होता है, न कोई नेता होता है और न ही कोई साधु और सन्यासी होता है। जिस क्षेत्र में वो सफल होना चाहता है उस क्षेत्र में वो कोर्स करता है उसमें वो सफल हो जाता है। और किसी भी व्यक्ति के लिए उस सफल होने के लिए उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो सांगलिया धोनी और राजस्थान के संतों ने बहुत वर्षों से पहले स्टार्ट किया था। जब हमारे सांगलिया धोनी की स्थापना हुई 500 वर्ष पूर्व तब कोई जातियां नहीं थी, सिर्फ वर्ण होते थे उस समय। तो हमारे मंगलदास जी महाराज संत हुए, उनको माँ का उपदेश है, वो क्षत्रिय समाज से जब उन्होंने कहा कि मुझे सन्यासी बनना है तो माँ ने कहा कि भाई जाओ पूरे गांव में भिक्षा लेकर के आओ। तो उन्होंने एक घर को छोड़ दिया
तो माता समझ गई कि यह भी समय सन्यासी बनने के लायक नहीं है, साधु नहीं बन सकता, ये समाज और देश का भला नहीं कर सकता। तो जब उन्होंने दोबारा फेरी लगाई तो एक भी गांव में उन्होंने घर नहीं छोड़ा, जो मिला दूध मिला, दही मिला, राबड़ी मिली, छाछ मिली, जो भी सब्जी मिली, रोटियां मिली, वो एक ही खप्पर में लेके आए। तब माता समझी कि भाई अब यह देश और समाज के लिए काम कर सकता है और सोए हुए लोगों को जगा सकता है। तब उन्होंने कहा कि भाई जाओ सांगलिया जाओ, वहां एक लकड़दास जी महाराज है, आप उनका सानिध्य प्राप्त करो और तपस्या करो और देश के लिए काम करो। तब उन्होंने कहा कि माया मंगला त्याग दे, हांडी ले ले हाथ, वर्ण चारों मांग ले, नहीं पूछनी है जात। तो उन्होंने उस समय काम किया। मैं तो कहता हूँ कि सांगलिया धुनी जब ये बार बार मेरा नाम लेता है तो मुझे ऐसे शर्म सी महसूस होती है। क्यों? कि मैं उस संत परंपरा से हूँ जहाँ जिन संतों ने इस मिशन में काम किया है, छुआछूत भेदभाव जो समाज में अन्य कुरूतियां जो व्याप्त है उनको मिटाने का काम किया है। और हमारे संत बाबा खिमादास जी महाराज, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि सांगलिया के संत, उनसे लोग बहुत पहले डरा करते थे, उनके सामने नहीं आया करते थे कि वो ओगड़ थे। बाबा लालूदास जी बाबा जी ने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के लोगों को गले लगाया और कहा कि आप हमसे डरो मत, हम आपके ही हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए बाबा खिमादास जी महाराज ने अपने भजन के माध्यम से, अपने वाणियों के माध्यम से गांव गांव जाकर के एक एक गांव में दो दो तीन तीन ढूंढ करके लोगों को कहा कि जितने भी समाज में जो व्याप्त कुरूतियां आप उनको मिटाओ। उन्होंने एक भजन के माध्यम से कहा आज के 50 वर्ष पूर्व कि बिरो हिलमिल सोचो पहली और घर घर माची है फूट तो आजादी किया रैली। जे आजादी रखनी चाहो दस दोष ने त्यागो और तन मन धर्म देश से अपने देश भक्ति में लगो। ज्यादा बिगड़ी बात बने ली और कुकरमा ने छोट शिक्षा ले हो गुरारी। मैं ज्यादा नहीं कह सकता, आपको इतना ही कहूंगा कि जिन जो भी लोग बैठे हैं यदि किसी प्रकार की उनके मन में कोई भावनाएं हैं, आज के बाद ये हम संकल्प लें कि आज तक जो हुआ सो बीत गया, आने के आगे हम किसी के साथ छुआछूत नहीं करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और गरीब को हम गरीब न समझ करके उसको अपना भाई समझ करके उसको बराबर का कंधा दे करके उसको साथ लेके चलेंगे, तब अखंड भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता। और आज इस कार्यक्रम में जितने भी लोग पधारे हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप इतनी गर्मी में, इतनी धूप में लंबे समय तक यहाँ बैठे रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहूँ कि आजकल लोग कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जब बाबा साहब और अन्य महापुरुष इस देश के जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने भी बहुत सारी समस्याएं झेली होगी, उन्होंने विपरीत परिस्थिति अपने अपने आप को साबित किया। तो हम मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रतिभाशाली हो इस देश को अखंड भारत बनाने में, आपको कोई रोक नहीं सकता। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोई कहता है कि हमारे साथ इन्होंने ऐसा किया, और मैं ये कहता हूँ कि हम उनके बहुत बाद की पीढ़ियाँ हैं, हो सकता है उन्हें 100 साल 200 साल बीत गए होंगे, कुछ ये भुलाएंगे और कुछ हम उनको भुलाएंगे, भूल करके हम एक जाजन पे बैठेंगे, एक साथ काम करेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय श्री राम।